नमस्कार साथियों, आज की खबर यह है कि सॉन्ग्स नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। यदि आपको भी नाटू नाटू सॉन्ग्स पसंद है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, बात की जाए इस गाने की तो सबसे पहले इसी साल 11 जनवरी 2023 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बाद एक बार फिर SS राजामौली जी का फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने बहुत बड़ा कमाल किया है। जी हाँ, आज इस गाने ने ऑस्कर अवार्ड 2023 के बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, मालूम हो कि इस पुरस्कार के लिए 15 गानों को चुना गया था, जिन्हें परास्त करके नाटू नाटू ने दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड को हासिल किया है। जैसे ही ये पुरस्कार इस गाने को मिला, पुरस्कार समारोह में उपस्थित फिल्म की पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी और जूनियर NTR रामचरण और राजा मौली सर ने एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। मालूम हो कि ऑस्कर 2023 के लिए चुने जाने वाला यह पहला इंडियन गीत है। दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले नाटू नाटू गीत के बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। इसे संगीतबद्ध किया है मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावनी ने, जिसे की मूल रूप से तेलुगु भाषा में कंपोज किया गया था, जिसके बाद हिंदी समेत कई भाषाओं में डब किया गया। दोस्तों, बात की जाए इस गीत को लिखने की तो इस गीत को लिखा है जाने माने गीतकार और गायक चंद्र बोस ने, जिनका पूरा नाम कनकतला सुभाष चंद्र बोस है, जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्म ताजमहल से अपने करियर की शुरुआत की थी। तो वही इस ऐतिहासिक गानों को सुरों से सजाया है सिंगर राहुल सिपलीगंज और काल भैरव ने। तो वही इसके हिंदी वर्जन को आवाज दी है राहुल और विशाल मिश्रा ने। दोस्तों, सॉन्ग्स नाटू नाटू की लोकप्रियता की बात की जाए तो इसकी लोकप्रियता वैश्विक है। PM मोदी ने भी खास अंदाज में टीम को बधाई दी है। तो दोस्तों, इसी अपडेट के साथ इस खबर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।